मसाला डाल के अब इसमें नमक डाल देते हैं। उसके हिसाब से नमक डाल दे रहे हैं, देखिए बस कुछ देर। देखिए इतना पतला पतला भाग हो गया है, इसके बाद इसको बीच में देखिए यहाँ काट के और गिरा दे रहे हैं। देखिए तो देखिए इतना सारा हम लोग कटिंग कर लिए एकदम भुजिया साइज में, बस बांस है बांस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में मस्त और खुश होंगे। उन सभी भाइयों और दोस्तों को मेरा प्यार भरा दिल से नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं और आप सभी को हमारी ब्लॉग्स में स्वागत करते हैं। और देखिए परी और परी की मम्मी, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था दोस्तों, तो आज ठीक हुई है। तो हम लोग सोच रहे चलिए बस करील का वीडियो बनाया जाए। तो हम लोग इससे पहले बस करील कैसे पहाड़ से तोड़ के लाए हैं दोस्तों, तो इससे पहले हम लोग ब्लॉग्स में डाल दिए हैं, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। वो वीडियो काफ़ी लंबे हो गए थे इसलिए उसमें बना के दिखा नहीं पाए, तो आज हम लोग बना रहे हैं इसका रेसिपी। तो आज हम लोग बस करील का भुजिया बनाने वाले हैं दोस्तों, एकदम आप लोग बने रहिए वीडियो में, देखिएगा किस तरह से हम लोग एकदम देसी तरीके से बस करील का भुजिया बना रहे हैं। क्या जी, तो सबसे पहले दोस्तों इसको छील ले रहे हैं। छिलिए जी, तो ये रहा बस करील दोस्तों, देखिए इसको छिलका उतार लेते हैं। इसमें छिलका रहता है, जो इसको नहीं छिलिएगा तो तीता लगता है, तीतापन लगेगा खाने में, इसलिए पूरा इसको फ्रेश करके एकदम छील लेते हैं। देखिए इसका एकदम सब छील छील के रख लिए, इसके बाद भुजिया साइज में काटेंगे, जिस तरह आलू का भुजिया काटते हैं ना, बस उसी तरह पतला पतला साइज में काटेंगे। देखिए कटिंग हो रहा है, चक्कू के सहारे से काटेंगे, पतला पतला करके और काटेंगे इसको। देखिए इतना पतला पतला भाग हो गया है, इसके बाद इसको बीच में देखिए यहाँ काट के और गिरा दे रहे हैं। देखिए इस तरह भुजिया साइज, देखिए कितना पतला पतला काटना पड़ता है, और इसको उबालेंगे उसके बाद भुजिया बनेगा, खूबी टेस्टी भुजिया। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा, जो जो जानते होंगे दोस्तों प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कौन कौन खाए हैं वो भी कॉमेंट कीजिएगा। अरे परी दवा खाई, दवा खा ली। तो देखिए इतना सारा हम लोग कटिंग कर लिए एकदम भुजिया साइज में, बस बांस है बांस का भी बच्चा है क्या जी, आज इसी का हम लोग भुजिया बनाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तभी समझ पाइएगा कैसे बना रहे हैं हम लोग। चलिए जी चूल्हा जलाइए, क्या चूल्हा तो जलल है। हाँ तो दोस्तों कटिंग कर लिए अच्छी तरह से, अब इसको सबसे पहले सिझा दे रहे हैं, उबाल कर ले रहे हैं क्या जी, नहीं तो तीतापन जाएगा, उबालते हैं तभी जाएगा तीतापन, क्या नहीं उबालिएगा तो तीता लगता है थोड़ा सा बस करील खाने में। तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग खाना वाना नहीं बनाए, सबसे पहले हम लोग बस करील ही बना रहे हैं क्या जी, क्योंकि ये कटिंग उटिंग कर लिए अच्छी तरह से, अब सिझा रहे हैं। देखिए उसके बाद इसको हम लोग बस करील का भुजिया बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है खाने में दोस्तों। इसको बासी करके भी खाने में बहुत अच्छा, हाँ बासी दो तीन दिन छील के, और बासी हम उबालें तो उसमें उबालते नहीं है, पहले छील लेते हैं, उसके बाद कटिंग करके और पानी में डालकर रात भर छोड़ देते हैं, उसके बाद सुबह भून देते हैं, जिसे अभी भूनेंगे हम, उस तरह भून देते हैं तो खट्टा थोड़ा लगता है, तो अच्छा लगता है खाने में। और हम लोग दोस्तों 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों परी और परी की मम्मी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, तो हम लोग दौड़ धूप में उधर लगे हुए थे, तो इधर वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग वीडियो नहीं डाले हैं क्या जी, तो आप लोग को ब्लॉग्स में बता दे रहे कि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था इसलिए नहीं बनाए थे। बस करील हम लोग को अच्छी तरह से भफा गया है दोस्तों, देखिए किस तरह से सिझरा, अब इसको उतारते हैं, ज़्यादा नहीं सिझाना भी नहीं है, ज़्यादा उतार देते हैं अब इसको हाथों से निचोड़ लेते हैं, पूरा ठंडा होने के बाद उतार देते, अब इसको हम लोग ठंडे पानी में डालेंगे। उतार लिए दोस्तों, अब इसको ठंडे पानी में देखिए बाल्टी में डाल देते हैं, उसमें पानी है ठंडा वाला, देखिए ठंडे पानी में डाल के उसके बाद हम लोग इसको हाथों से एकदम निचोड़ कर पूरा एकदम इसका पानी तो ठंडा हो गया है हम लोग को बस करील, अब इसको देखिए निचोड़ रही है हाथों से एकदम, जितना इसका पानी है सब गार दिया जाता है एकदम, जितना आपके अंदर ताकत होता है सारा ताकत लगा देते हैं, अभी तो मेरे अंदर इतनी ताकत है, लेकिन हम गारते लगे। तो इसको देखिए इस तरह पानी से पूरा इसको निचोड़ लेते हैं और इसको रखते हैं, एकदम पूरा निचोड़ना पड़ता है,
जिसका पानी रहता है ना तीखा लगता है थोड़ा सा, पूरा निचोड़ लेते हैं। देखिए देखिए इस तरह पूरा एकदम निचोड़ लिए, और भी इसी धीरे धीरे सब निचोड़ के सब थाली में रखेंगे। और उधर कढ़ाई चढ़ाई हुए हैं गर्म होने के लिए, इसमें तेल भी डाल देते हैं। जितना ताकत है एकदम, जितना ताकत है उतना निचोड़ सकते हैं। इसको अच्छी तरह से निचोड़ कर दोस्तों, अब इधर देखिए प्याज भूंज रही है और उसमें बस करेल उसी में भूंजेंगे हम लोग। देखिएगा आप लोग किस तरह एकदम खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। जो जो बस करेल खाए होंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो नहीं खाए होंगे वो भी कमेंट कीजिएगा, बस गलत कमेंट नहीं कीजिएगा कि क्या हम लोग बांस खा जाते हैं। बस इसको झारखंड में खाया जाता है क्या जी? हाँ जी। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि इसको पूरा हम लोग सिझा लिए हैं। प्याज भी अच्छी तरह से भुंजा गया है। अब देखिए बस करेल जो निचोड़ के रखे थे थाली में उसको भूंज रही है। अब इसमें नमक और हल्दी डालना है क्या जी? मसाला भी डालेंगे। पहले ही अच्छे से भून लेते हैं, इसमें जो हल्का फुल्का बचा उचा भी होगा पानी में तो निकल आ जाएगा, सब सूख जाएगा। प्याज और बस्करील भुजा गया है 10 मिनट तक एकदम भूंजे, इसको सुखा दिए तो पूरा भून के, और इसमें मसाले डालते हैं और हल्दी और नमक। नमक है दे देते हैं, मिला लेते हैं। ये कितना शानदार लग रहा है देखने में, ज़्यादा मसाला नहीं डाला जाता इसमें क्योंकि बात करी है ना। और भी बना रहे रेसिपी थी जोरदार, मतलब तरी वाला नहीं बना सकते इसको ना, सिर्फ भुंजिया ही बना सकते क्या? हाँ जी। तो देखिए इधर मसाला दे दिए, मसाला को आप सीजने दीजिए, नमक डाल दिए। और काफी धूप हो गया दोस्तों, हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगा है, जल्दी जल्दी हम लोग बना रहे हैं। मसाला डाल के अब इसमें नमक डाल देते हैं, उसके हिसाब से नमक डाल दे रहे। देखिए बस कुछ देर तक भूंजेंगे इसको, ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा, बस उतार देंगे, ये चटकदार भुंजे बनकर तैयार हो जाएगा क्या जी? देखिए अब हम लोग का ये भुजिया बनकर तैयार हो गया है, बांस का भुजिया है। देखिए खाने में जबकि बड़ा ही टेस्टी और लाजवाब लगता है। देखिए ये बन के तैयार हो गया, इसको उतार दे। कड़ी धूप में दोस्तों हम लोग को बस करेल बनाना पड़ा, सिर्फ आप लोग के लिए दिखाना था, जो कि क्या जी? हाँ। हम लोग इसको हर एक साल खाते हैं, आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम लोग बांस क्या क्या खा जाते हैं क्या जी? बांस नहीं, बस करेल है, इसको खाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं होता है। और हम लोग को बन के तैयार हो गया, अब इसको खाएंगे, भात नहीं बनाए हैं, इसको बनाएंगे भात के साथ खाएंगे क्या? इसको रोटी संग तो और टेस्टी लगता है। तो आज के ब्लॉग से अगर आप लोग अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय।